वेलकम टू एक्सरसाइज 11.2 किसी का मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड के लिए हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे मिलता है। और जिन लोगों ने भी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो पहले वो शुरुआत से वीडियो जाकर देखें ताकि वो डिफ्रेंसिएशन नामक चैप्टर अच्छे से समझें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 11.1 कैसे सीना मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्या करते हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा। अगर और एक चीज और जानिए, अगर x बराबर cot थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x। ये हो सकता है इस्तेमाल में आ जाए, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। tan इनवर्स 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, cosec थीटा प्लस cot थीटा। tan इनवर्स cosec थीटा को 1 बटा साइन कर दीजिए और cos थीटा को cos थीटा बटा sin थीटा। अरे ये एलसीएम ले सकते हैं क्या, tan इनवर्स sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। और ये फॉर्मूला तो जाना पहचाना सा है, हमने तो इसमें बहुत काम किया है। 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2, और sin थीटा का क्या होगा, 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। हाफ एंगल फॉर्मूला पे तो टूट गया, एक कॉस से एक कॉस भी खत्म हो गया, तो बचा टेन इनवर्स कॉस थीटा बटा 2 बटा साइन थीटा बटा 2। क्या होता है ये टेन इनवर्स कॉट थीटा बटा 2। और ये मैंने सिखाया भी था पिछले लेक्चर में कि 90 माइनस थीटा करके टेन बदल देंगे तभी टेन साइन खत्म होगा, तो टेन से कॉट कैसे खत्म होगा, टेन और अंदर भी लिखिए टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बटा 2। टेन से टेन कैंसिल आउट, अपना जो फंक्शन था बन गया पाई बाई 2। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो क्या होगा, डी पाई बाई 2 बट्टा डी एक्स, और डी थीटा की जगह पे क्या कॉट इनवर्स एक्स। मुझे मतलब पहले से उम्मीद थी कि शायद इसका इस्तेमाल हो जाए और इसका इस्तेमाल हो भी गया, cot इनवर्स x बटा dx। और ये हाफ जो है ना, ये हाफ को पाई कर दो, पाई बाई 2 तो कोई कांस्टेंट है 0 माइनस, और चूंकि हाफ सा है तो हाफ रह गया। और देखो c, मैंने कहा कि जहां भी डिफरेंशिएशन में c का इस्तेमाल हो माइनस होगा, यानी कि माइनस होगा, और cot tan का अपोजिट होता है यानी कि माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ tan की जगह पे cot कर दिया। अब इस बार भी तो x की जगह पे क्या रखना है, cot थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा cot इनवर्स 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। cot इनवर्स 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा, यानी cot इनवर्स क्या हो जाएगा, cosec थीटा प्लस cot थीटा, हो गया ना, फिर पहले जैसा 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। एलसीएम ले लेंगे, कॉट इनवर्स साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, सेम से फॉर्मूला फिर वही आ गया, कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 बट्टा 2 साइन थीटा बट्टा 2 कॉस थीटा बट्टा, cos से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी
cot inverse cos theta बटा 2 बटा sin theta बटा 2 that is cot inverse cot theta बटा 2 cot से cot कैसे और theta बटा 2 आंसर आएगा लेकिन theta क्या होगा जी theta मैंने मान रहा है cos inverse sorry cot inverse x बटा 2 differentiate करेंगे differentiate with respect to x और अपना आंसर आ जाएगा 1 by 2 तो 1 by 2 होगा और cot inverse का क्या होता है minus 1 plus x square this is our right answer formula याद रहेगा तो बनेगा क्योंकि एक बार मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ cot inverse x बटा dx होता है minus 1 बटा और plus x square यानी कि इस पूरे चैप्टर में एक चीज और बात समझ में आती है फॉर्मूला याद करना मोस्ट कंपलसरी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं दिया क्वेश्चन 10 cos अंडर रूट 1 plus x square minus x और इसमें भी सबसे बड़ी बात है ना हिंट से दिया है x over cot सबसे अच्छी बात है हिंट दे दिया आपके लिए आसान हो गया आप इसको पुट कीजिए आंसर पाइएगा tan इनवर्स 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा अच्छा ये तो पता हो गया ना x और cot थीटा तो थीटा और क्या होगा cot इनवर्स x ये याद रखिएगा हमेशा tan इनवर्स क्या हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा दैट इज tan इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल cos थीटा माइनस cot थीटा tan इनवर्स ध्यान दीजिए 1 बटा sin थीटा लगातार तीसरी क्वेश्चन में भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है अब तो इसको फैमिलियर हो गए होंगे आप लोग ठीक है एलसीएम लेंगे sin थीटा 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा क्या होता है जी tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2 बटा 2 sin थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2 2 से 2 खत्म sin से हो sin खत्म अच्छा tan इनवर्स sin थीटा बटा 2 बटा cos थीटा बटा 2 ठीक है तो tan इनवर्स sin बटा cos tan ही ना होता है tan थीटा बटा 2 कैंसिल टेन कैंसिल थीटा बटा टू आंसर दैट इज 1 बाय 2 cot इनवर्स x 1 बाय 2 cos इनवर्स x अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि 1 बाय 2 d cot इनवर्स x बटा dx यानी 1 बाय 2 इनटू माइनस 1 कॉन 1 प्लस x स्क्वायर दिस इज आवर राइट आंसर नोट कर लीजिए नंबर 4 दिया हुआ है tan इनवर्स √1 + x² + 1 x और हिंट दे दिया कि x बराबर क्या रखिए tan थीटा रखिए एक नंबर tan थीटा रखिए ध्यान देंगे अगते tan थीटा क्या होता है √1 + tan² थीटा याद रखिएगा थीटा बराबर होगा tan इनवर्स x ठीक है प्लस 1 बटा tan थीटा क्लियर है tan इनवर्स 1 plus tan square theta sec square theta क्या होता है sec square theta plus 1 बटा tan theta clear है tan inverse square से रूट कैंसिल sec theta plus 1 बटा tan theta ठीक है इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं क्या होगा 1 बटा cos theta plus 1 बटा sin theta बटा cos theta clear अब ध्यान दीजिए tan इनवर्स एलसीएम लेंगे 1 प्लस cos थीटा बट्टा इस tan को बचेंगे sin थीटा बट्टा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया यानी कि tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा बट्टा sin थीटा सेम वे में इधर पुराना सवाल हो गया तो 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टा 2 sin theta बटा 2 cos theta बटा 2 2 से 2 कैंसिल आउट cos से cos कैंसिल आउट tan इनवर्स cos बटा sin क्या होता है जी cot theta बटा 2 क्या हो जाएगा चेंज करेंगे tan इनवर्स tan pi by 2 minus theta बटा 2 tan से tan कैंसिल pi by 2 minus theta theta कौन है tan इनवर्स है 1 by 2 into tan inverse x differentiate with respect to x
डिफरेंशिएट पाई बाई टू बट्टा डी एक्स माइनस आपको बात कीजिए डिफरेंशिएट टेन इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स, ये तो जीरो हो जाएगा माइनस वन बाई टू, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा वन बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज माइनस वन बट्टा टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर। नोट कर लीजिए। cot inverse cos theta बट्टा sin theta cos theta बटा sin theta क्या होता है cot theta, और cot से cot कैंसिल, सिर्फ theta बचेगा, theta को क्या माना था मैंने, theta माना था cos inverse x, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos inverse x बट्टा dx, दैट इज बन गया होगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस x स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 6 का 6 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का, और इसके बारे में हिंट्स दे दिया है कि x और a sin थीटा है, क्या a sin थीटा है। देखिए स्टूडेंट, इस तरह का कोई भी सवाल हो जिसमें a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिया जाता है, हमेशा एक कोफिशिएंट के साथ ही कुछ भी रखते हैं, इससे क्या होता है आपका सवाल आसानी समझ जाएगा, और नहीं तो बाद में आपका ये ए डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। ठीक है, और देखिए तो फिर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स बट्टा ए, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बट्टा, क्लियर। इसको बनाते हैं टेन इनवर्स ए साइन थीटा बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सब एक्स का ही पार्ट है, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बट्टा ए स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर लीजिए, ए बाहर हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स ए ए से कैंसिल आउट हटा लो, साइन थीटा बट्टा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन इनवर्स साइन थीटा बट्टा स्क्वायर रूट कैंसिल cos theta, तो tan inverse sin बटा cos क्या होता है tan theta, tan से tan कैसे करो theta बचा, theta क्या है theta है theta है आपका sin inverse x बटा, अब differentiate with respect to x, differentiate with respect to x करेंगे differentiation of sin inverse x बटा a बटा ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बटा a, ठीक है इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का होता है वन बट्टा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से जाते हैं एक्स बटा ए स्क्वायर, ठीक है, और x बट्टा a, इस x बट्टा a को भी डिफरेंशिएट करना हो तो 1 बट्टा a बच जाएगा, हो जाएगा माइनस 1 बट्टा a अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिए 1 बट्टा a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर, ठीक है, तो ये एक्चुअली बन क्या जाएगा a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा स्क्वायर रूट कैंसिल, ए से कैंसिल हो जाएगा माइनस वन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।